नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द टॉय हाउस। और आज हम अनबॉक्स करेंगे एक सरप्राइज टॉय जो कि मेरे छोटे भाई ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया है। सो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और कीजिए इसे मेरे साथ अनबॉक्स। और ये आ गया हमारा रहस्यमय खिलौना जिसका रहस्य अब हम आपके सामने लाने वाले हैं। सो अभी से निकालते हैं बॉक्स के बाहर। तो अब इस खिलौने का रहस्य सबके सामने आने वाला है। अब ओपन करेंगे हम बॉक्स और देखेंगे कौन सा सरप्राइज टॉय है जो इस बॉक्स के अंदर छुपा बैठा है और जो निकलने को है बेकरार और उससे ज्यादा बेकरार है हम उसे निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने किया बॉक्स को ओपन और सबसे पहले हम निकालेंगे बिल जो कि हमें मिला है अमेजोन की तरफ से, जिसका इसके बाद कोई यूज नहीं, सो इसे फेंकते हैं साइड में। अब निकालते हैं अपना सरप्राइज टॉय जो कि है हमारा 3-2-1 और यह है हमारा बेन प्रेस्टो ड्रैगन बॉल द फ्रीजा एक्शन फिगर। सो ये रहा हमारा सरप्राइज टॉय जो कि मेरे भाइयों ने मुझे मिलकर गिफ्ट किया है। काफी ज्यादा एक्साइटेड था मैं इसके लिए और काफी पसंद है मुझे। तो अब हम इसे निकालते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर। बॉक्स के अंदर एक और है बॉक्स, तो काफी अच्छे से पैक होकर ये आया हुआ है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ये है हमारा फ्रीजा एक्शन फिगर जो कि आया है इस तरह के पॉलिथीन रैपिंग में कुछ टुकड़ों में बटा हुआ जिसे हमें असेंबल करना होगा। तो अब हम इसे करते हैं असेंबल और दिखाता हूँ असेंबल होने के बाद कैसा ये लगता है। ये रहा हमारा सुपर विलन फ्रीजा एक्शन फिगर जो कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिसके हाथ में है सुपरनोवा ब्लास्ट। तो इससे हमें बचाने के लिए हमारे पास है हमारा सुपर हीरो वजीटा एक्शन फिगर। सो अब इन दोनों के बीच में होगा फाइट और सुपर विलन फ्रीजा से बचाने के लिए आ चुका है हमारे पास सुपर हीरो वजीटा एक्शन फिगर। सो अब हम बात करेंगे इसमें इसकी हाइट, वेट, कलर एंड क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हाइट की जो है 26 सेंटीमीटर, 1 फीट से थोड़ा सा छोटा है। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेलिंग की। तो जैसे कि आपको पता है ये बेन प्रेस्टो ब्रांड है तो डिटेलिंग पे काफ़ी काम किया गया है। जैसे कि जो ये इसने सुपरनोवा बॉल अपनी उंगली पे उठाया वो भी आपका इसने उंगली पे नहीं रखा हुआ, ये जो इसकी तरंगे आ रही हैं इससे अटैच है। तो काफ़ी छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे काफ़ी काम किया गया है। अगर आप इसकी फेस डिटेलिंग देखेंगे तो देखिए कितनी शानदार है ये। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। इसे देख कैसा लगता है जैसे आपका रबर प्लास्टिक है ये। और अगर हम बात करें इसका वेट का तो काफ़ी लाइट वेट है ये, ज़्यादा हैवी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। सो आप इसे यहाँ पे रख दीजिए। आपको सरप्राइजेस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।